हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्का फैमिली चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे सेफ होंगे। तो आज चंडीगढ़ में हो रही है बहुत तेज़ बारिश, बहुत ही ठंडा मौसम हो गया है। सुबह सुबह ही बहुत अच्छा मौसम हो गया था, देखिए कितने ज़ोर से बारिश पड़ी है। बहुत अच्छा लग रहा था, इतने दिनों बाद बारिश हुई चंडीगढ़ में और मौसम भी अच्छा हो गया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वेडिंग एल्बम। तो ये है मेरी वेडिंग एल्बम, जो मेरी शादी हुई थी 18/4/2018 में, रेनू वेड्स दीपक। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी वेडिंग एल्बम। ये है मेरे हस्बैंड दीपक और ये हूँ मैं। ये हैं मेरी मामियाँ बैठी हैं। और ये आए हैं मामा, जब आए हैं उस टाइम का है ये। अब यहाँ पे मेरे मम्मी कर रहे थे बत पूजन। जो हिमाचल से हैं उन्हें पता होगा कि बत पूजन क्या होता है। और यहाँ लग रही थी मुझे मेहंदी और यहाँ डांस हो रहा था। ये सभी मेरे घर के ही हैं, ये सारे हम कजन्स हैं। ये है मम्मी और मैं, ये है मम्मी पापा भाई और मैं। यहाँ डांस हो रहा है सबका। ये है नेक्स्ट डे का, जब हल्दी और सांद होती है, तो यहाँ सब हल्दी लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे मायके वाले साइड की एल्बम है। जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो आपसे वहाँ की एल्बम भी शेयर ज़रूर करूंगी मैं। और यहाँ हो रही थी पूजा। अब ये आ गया है सांद का टाइम। यहाँ हो रही है सांद, जैसे कि सब हिमाचलियों को पता है सांद क्या होती है। यहाँ धुआं हो गया था और यहाँ पे फोटोज भी ब्लर आई है थोड़ी। ये नथ मेरे मामा ने दी थी मुझे। ये है मेरे दादा और दादी, ये उसी टाइम आए थे हॉस्पिटल से, क्योंकि मेरे दादा बीमार थे और एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो ये डायरेक्ट दूसरे दिन हॉस्पिटल से ही पहुंचे थे। ये हमारी फैमिली फोटो, भाई मम्मी दादी पापा और दादा, जिनकी डेथ मेरी शादी से 1.5 महीने बाद हो गई थी। और बस इसके बाद मैं चली गई थी पार्लर में तैयार होने और डायरेक्ट आई थी कम्युनिटी सेंटर, जो बुक करवाया था मेरी शादी में। ये है शादी की डेकोरेशन, स्टेज और ये सब खाने का स्टॉल। ये है मम्मी पापा का हो रहा है फ़ोटोशूट यहाँ पर, ये भाई का फ़ोटोशूट और ये हैं दादा और दादी जी। फ्रेंड्स, मैं अपने दादा के बहुत ही क्लोज थी और मैं उन्हें बहुत ही मिस करती हूँ अब। और यहाँ पहुँच चुकी है अब बारात। ये है मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड। आ गया है मिलनी का टाइम, अब हो रही है मिलनी।
ये है मेरी कज़न, जो रिबन कटवाने के लिए खड़ी थी। मम्मी यहाँ तिलक कर रहे हैं दीपू को। अब होती है मेरी एंट्री। आ गया अब जयमाला का टाइम। यहाँ हो रही है जयमाला। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरी हुई है लव मैरिज, लव प्लस अरेंज। तो हम एक ही कास्ट के हैं और बस घर वाले मान गए तो शादी कर दी फिर घर वालों ने। यहाँ फ्रेंड्स, मेरे भाई ने दी थी मुझे गोल्ड की रिंग। ये सभी मेरी फ्रेंड्स हैं स्कूल की, जो गिफ्ट दे के आई थी। ये दोनों बुआ और बुआई जी हैं मेरे, ऊपर वाले भी और नीचे भी। और यहाँ मेरा भाई दे रहा था अपने जीजा को चेन गोल्ड की, और यहाँ मम्मी पापा ने मुझे दिए थे गोल्ड के कड़े, और दादाजी और दादी जी ने दिया था मुझे किटी सेट, जो मैं अभी भी पहनती हूँ। और ये है मेरी कज़न और जीजू। ये है हमारी फैमिली फ़ोटो। यहाँ हमारी गपशप हो रही है स्टेज में बैठे बैठे भी। ये सभी रिलेटिव्स हैं मेरे, घर के ही हैं। अब मैं कौन कौन बताऊँ आपको? सभी आ रहे थे, शगन दे के जा रहे हैं। अब आ गया है डिनर का टाइम। बस अब यहाँ हो रहा है डिनर। अब आ गया है लगन का टाइम। बहुत ही अच्छे रिचुअल्स हैं हिमाचल के। यहाँ और यह बेदी, जो हिमाचल से हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि बेदी क्या होती हैं। बस अब यहाँ पे कलीरे डाल रहे थे सभी मुझे, और ये जो पैंट कोट है ये फिर इन्होंने चेंज करा था, जो कि हमने दिया था। यहाँ सिंदूर से भर रहे हैं मांग। बस जो रिचुअल होते हैं वो होते जा रहे हैं। दादाजी और दादी जी आए हैं मुझे आशीर्वाद देने। बस यहाँ कुछ जो होते हैं रीति रिवाज वो हो रहे हैं। अब होगी सुबह, तो सुबह हम वहाँ से कम्युनिटी सेंटर से घर आ गए थे। मुझे ये सब बताना कि ये रिवाज किस किस के यहाँ है मांग में सिक्के रखने की। ये हमारे मंडी में तो ये रिवाज है, तो आप भी बताइएगा कि आप किस किस के यहाँ पे ये रिवाज है। यहाँ हो रही है सिरगुंदी, जो कि वैसे तो मामियाँ करती हैं पर मेरी बड़ी बुआ ने करी थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं विदाई पे कितनी खुश हूँ, दांत निकल रहे हैं मेरे। बस यहाँ सभी मेरे हस्बैंड को तमोवर लगा रहे हैं।
बस यहाँ लास्ट मोमेंट में मुझे थोड़ा रोना आ गया था। वो भी तब आया था कि पहले मैं अपने दादा से मिली थी, कि ये मेरे दादा से मिली थी, तो दादा से मैं बहुत क्लोज थी। बस यहाँ पे मुझे रोना आ गया था। और दादा बीमार भी थे और इन्हें मेरी शादी का ही इंतज़ार था, और मेरी शादी के 1.5 महीने बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। बस ससुराल जाने के लिए अब मैं बैठ गई थी गाड़ी में। बहुत ही दिल दुखाने वाला मूवमेंट होता है ये। और ये बस हम जा रहे थे करनाल। ये है HR का नंबर, हरियाणा का नंबर, क्योंकि मेरा ससुराल हरियाणा में है, करनाल में। वैसे मेरे ससुराल वाले भी हिमाचल से ही हैं, बैजनाथ बैजनाथ से ही हैं ये भी, पर ये वहीं सेटल्ड हैं। बस आज का व्लॉग इतना सा ही था। बस यहाँ हो रहा है फ़ोटोशूट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वेडिंग एल्बम कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।